लेसन एंड द नेम ऑफ अ लेसन इज हीरोज ऑफ इंडिया, राइट। इन दिस चैप्टर बच्चे हम लोग क्या देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ग्रेट पीपल रहते हैं, इज दैट क्लियर। इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट पीपल, जिनको बहुत नॉलेज थी, जो पीस इम्पार्ट करना चाहते थे, जिनका जो एक एम था कि दे शुड बी इम्पार्टिंग एजुकेशन इन द कंट्री, एनलाइटमेंट इन द कंट्री, इज दैट क्लियर। So in this chapter, we people are going to talk about these people only. Because, bache, you know that imparting education, imparting enlightenment, और इतना ही नहीं, जब हम लोग यहाँ पर इन लोगों को peaceful life रहना सिखाएंगे, जब हम इनको non-violence के बारे में बताएंगे, तब हमारी country एक better place हो जाएगी to be live in. Is that clear? So we have to take inspiration from these people. So dear students, we are now going to talk about some of these great people. वो बहुत great people रहते हैं, उनकी thinking, उनकी teachings बहुत ही ज़्यादा great हैं. तो इसके लिए we are going to study about them. Is that clear? Let's try to understand and we are going to talk about Rabindranath Tagore. Dear students, do you know Rabindranath Tagore was a great literary figure. He was quite knowledgeable. He was a man of multiple visions. बच्चे उनके मल्टीपल विजन्स थे। He fought for India's freedom also. बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट लिटरेरी फिगर ऑफ इंडिया। लिटरेरी मतलब क्वाइट नॉलेजेबल। He written many books. He wrote a national anthem also. He composed it. You should be remembering that he was a writer, he was a novelist, he was a poet, he was a social reformer, a freedom fighter, right? He wrote his poem at the age of 8. इन्होंने अपनी फर्स्ट पोम जो थी वो 8 इयर्स की एज में लिखी थी, राइट। सो रविंद्रनाथ टैगोर वाज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स गीतांजलि। हिज बुक इज देयर दैट इज नेम्ड गीतांजलि। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स दैट ही हैज। यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट that Rabindranath Tagore was honored with the Nobel Prize in Literature in 1913 and he wrote this thing for the selection of songs in Gitanjali. Is that clear? So, इनको ये जो Nobel Prize है ये पता है किसके लिए दिया गया था? He was given it for the selection of songs and that was Gitanjali, right? And Nobel Prize, it is really a good honor, बच्चे, that we give to a person. तो इसीलिए ही वन दैट, बिकॉज इनकी जो बुक्स थी, जो बुक इन्होंने गीतांजलि लिखी थी उसके अंदर इतने ज्यादा सॉन्ग्स थे एंड देवर रियली यू नो ग्रेट ग्रेट कलेक्शन वॉज देयर, जिसके कारण से इनको ये प्राइज दिया गया था। एंड दिस इज अ प्राइज एट एन इंटरनेशनल लेवल। ही कंपोज्ड अवर नेशनल एंथम ऑल्सो जन गण मन एंड हिज सॉन्ग्स आर पॉपुलरली नोन एज रविंद्र गीत। हम इनके सॉन्ग्स को क्या बोलते हैं? रविंद्र गीत। बच्चे, इन 1901 ही एस्टेब्लिश शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल एंड शांति निकेतन इज नाउ नोन एज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो मतलब ही वॉज पर्टिकुलरली अ सोशल रिफॉर्मर। तो इन्होंने एडुकेशन के लिए भी बहुत वर्कआउट किया, तो इसीलिए इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर शांति निकेतन का एस्टेब्लिशमेंट किया 1901 में, ताकि लोग एडुकेटेड हो सके, लोगों को अच्छी नॉलेज मिल सके। और लेकिन अब वो जो इन्होंने सेटअप किया था शांति निकेतन, नाउ इट इज अ यूनिवर्सिटी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी, राइट। वी कॉल इट अ विश्व भारती यूनिवर्सिटी, राइट। नाउ लेट्स सी टू इट, स्वामी विवेकानंद। बच्चे, स्वामी विवेकानंद, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद। द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंद वॉज नरेंद्र नाथ भट्टा दत्ता। He was a disciple of Ramakrishna Paramahansa who gave him the name Vivekanand. Is that clear? Ye aapne yaad rakhna hai ki his original name was what? Narendranath Datta and he was a disciple. Disciple ka matlab kya hota hai? Student. Kiske student the? Ramakrishna Paramahansa who gave him the name Vivekanand. बच्चे, इन विवेकानंद ओपिनियन सर्विस टू मैनकाइंड वाज अ सर्विस टू गॉड। अगर आप लोगों की सेवा करोगे तब आप भगवान की सेवा करते हो। इज दैट क्लियर? सो ही टुक प्राइड इन अ एंशिएंट हेरिटेज। व्हाट इज योर एंशिएंट हेरिटेज? जो हमारे मतलब पुरानी चीजें हैं, जो हमारी पुरानी चीजें हैं उसमें ही यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ
interest belonging to past. Unhone practices and beliefs that was taken up like that passed from one generation to another. वो इनके ऊपर बहुत focus करते थे. Is that clear? मतलब जो भी हमारी past की heritage थी, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा focus करते थे. So बच्चे, he founded the Ramakrishna Mission, a charitable organization that works for the welfare of people. बच्चे, विवेकानंद ने आर्य समाज का भी setup किया था. He even set up आर्य समाज, right? So बच्चे, let me explain this topic once again. The original name of Vivekananda was Narendranath Datta. He was a disciple of Ramakrishna Paramhansa who gave him name Vivekananda. So bache, you should be remembering this. He, Swami Vivekananda, basically he believed that service to mankind. Agar aap logo ki seva karoge, tab aap yahan pe Bhagwan ki bhi seva kar sakte ho. Is that clear? So bache, you should be remembering that he always believed in his ancient heritage ki humare ko humari purani darohar hai. Jo humari past thinking hai, past beliefs hai, unko sambhal kar rakhna chahiye. Is that clear? So you should remember that Ramakrishna Paramhansa started Ramakrishna Mission. It was a charitable organization and it is working for the welfare of the people. And Swami Vivekananda along with Swami Dayananda, later on they started Arya Samaj. They also work for the upliftment of the people only, poor people. So bache, let's see now C.V. Raman. Can anyone tell me who was C.V. Raman? C.V. Raman was a great scientist. Is that clear? You should be remembering this. Like he also won a Nobel Prize for Physics. Itne renowned scientist the ye. He was born in 1888 at Tiruchupalli. He was one of the greatest scientists of India. Now we people are going to start with about C.V. Raman. C.V. Raman was born in 1888 at Tiruchupalli. Where was he born? In 1888 at Tiruchupalli. He was the greatest scientist of India. Bache, inka physics. Ab aap log jab science aage karoge na, to science ke three streams aa jayengi. केमिस्ट्री आ जाएगी, बायोलॉजी आ जाएगी और एक फिजिक्स आ जाएगी. तो इनका जो बहुत ज़्यादा इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी ना, इनकी जो कमांड थी वो फिजिक्स के अंदर थी. एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स ही जॉइन द कैलकटा यूनिवर्सिटी एंड इन 1930 ही रिसीव्ड द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स. इनको नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला था. बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. In 1933, he became the director of Indian Institute of Science in Bengaluru. So, 1933 mein, he became the director of Indian Institute of Science in Bengaluru. He later established the Raman Research Institute in Bengaluru. Inhone baad mein ek aur institute ka setup kiya tha, that was known as Raman Research Institute in Bengaluru. Bengaluru kaun sa ho gaya? It is Bangalore basically. Is that clear? Now, bache, we talk about a very renowned personality जिसके बारे में आपको भी पता होगा. Can you recognize this picture, everybody? APJ Abdul Kalam, also known as the Missile Man of India. So, bache, Abdul Kalam was a scientist. He was a renowned scientist. He also served the country as a president of India from 2002 to 2007. Right? He was even the president of India. You should remember his achievements. Do remember? इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. बच्चे, यू शुड बी रिमेम्बरिंग. यस, यू शुड बी रिमेम्बरिंग. एंड दैट इज व्हाट ही वाज एन इंजीनियर एंड वर्क्ड विद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इसरो. इसरो का नाम अब बहुत ज्यादा आएगा. दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. हम इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते. And he received the Bharat Ratna Award from the Government of India. He received, which is the highest award given to a person. Beta, I think my voice is clear because mera network pura hai. Aap sab band karo pehle isko. Then it would be okay. He was known as a missile man of India and he received the Bharat Ratna Award for the Government of India. Aur inko ek Bharat Ratna Award diya gaya tha by the Government of India. बच्चे, कलाम इज फेमस फॉर हिज मोटिवेशनल स्पीचेस एंड इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स इन इंडिया. यू शुड बी रिमेम्बरिंग ही ऑलवेज वर्क्ड फॉर द स्टूडेंट्स. लाइक ही सेड द स्टूडेंट्स शुड बी नॉलेजेबल. उनको एक रियल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए. तो ये बहुत लेक्चर्स देते रहते थे अलग अलग कॉलेजेस में. एंड वंस ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर ओनली ही कोलैप्स्ड देयर एंड ही डाइड ड्यूरिंग गिविंग अ लेक्चर ओनली ही डाइड. सो लेट्स टॉक अबाउट अब्दुल कलाम वंस अगेन. APJ अब्दुल कलाम
was the president of India also from the year 2002 to 2007. 5 years के लिए president बनते हैं ना, तो he was the president. And remember, इनको हम लोग missile man of India भी बोलते हैं. Is that clear? और इन्होंने कहाँ पे work किया है? ISRO में. आपको पता है एक movie आई थी, like it was the movie about like अभी so he we also that's why only we call him a missile man of India na. So bachche, you should be remembering that he received the Bharat Ratna award from the government of India. And do remember, Kalam is famous for his motivational speeches. He tries to motivate the students ki aapko padhai karni chahiye, you should be quite renowned enough. Agar aapko actual science ki knowledge hogi, then only you can grow particularly. So bachche, during his interaction session with the students only, he collapsed and he died. Is that clear? So that was all about your this chapter. Now your homework for today. And I know that some of the students are not sending the work and even